अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वेडिंग सीज़न बिल्कुल ज़ोरों शोरों से पाकिस्तान में जो है वो शुरू हो चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारी प्यारी प्यारी सी ब्राइड टू बी हैं उनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर की जाएँ, किस तरह वो घर में रह के मिनिमल बजट के अंदर, क्योंकि बजट वैसे ही जो है शादी में बहुत आउट हो रहा होता है हर एक चीज़ को लेकर, बी डेकोर, खाना, केटरिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो फिर इंसान की कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें वो घर पे खुद से कर सकता है वो करने की कोशिश करे एटलीस्ट, राइट। तो ग्रूमिंग जो है ना एक ब्राइड की, वो तो जी उसका हक है। और जैसा कि पाकिस्तान में ऐसा ट्रेडिशन भी है, कल्चर भी है, ट्रेडिशन का आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन हाँ इस तरह का प्रैक्टिस ज़रूर किया जाता है कि यू नो आजकल जो सैलॉन्स हैं वो भी ब्राइडल सर्विसेज ऑफ़र करते हैं 7 डेज़ 14 डेज़, जिसमें सारी वैक्सिंग एंड क्लिनजिंग, फेशियल्स, मैनी पैडी सब कुछ जो है ना वो ऑफ़र हो रहा होता है। एंड मोस्टली आई थिंक ब्राइड्स जो हैं वो क्योंकि इतनी ओवरवेल्म्ड हुई हुई होती हैं कि वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपनी लिस्ट से कट ऑफ कर सकें, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस एंड अप गोइंग विद दीज सैलॉन्स। लेकिन लेट्स एक्सेप्ट कि ये जो सर्विसेज होती हैं बिल्कुल महंगी नहीं होती, इट कैन टोटली ब्रेक योर पॉकेट्स। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे भी इम्प्लीमेंट की थी और आज तक जो है वो मेरी रूटीन का हिस्सा हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है जी फेशियल हेयर। फेशियल हेयर को कैसे रिमूव किया जाए पेनलेस वे में और एक बजट के अंदर रहते हुए आसानी से घर के अंदर, क्योंकि यार हर किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर हम ब्राइड्स की बात नहीं भी करें, डेली ऑफिस वेयर, यूनिवर्सिटी ऑफिस वेयर कह रही हूँ, ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स की ही क्यों ना बात करें, टाइम इतना नहीं होता हर किसी के पास एवरी वीकेंड या यू नो एवरी मंथ, या इवन बजट भी नहीं होता कि आप जाकर जो है वो प्रोफेशनली किसी से ये चीज़ें करवाओ। और वैसे भी मैं कहती हूँ यार, ये जो खुद की ग्रूमिंग की चीज़ें ना हर बंदी को आनी चाहिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो मैंने भी जो है ये सारी चीज़ें अपने 30 साल एक्सपीरियंस के बाद ही सीखी हैं। तो 30 साल एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि 30 साल की उम्र के बाद जाकर, अब जाकर पिछले 2-3 साल में मैंने जो है वो ये चीज़ें सीखी हैं और अप्लाई करना शुरू किए हैं, एंड इट हैज़ मेड माय लाइफ सो मच ईजियर। ओके जी, लेट्स गेट टू पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट फेशियल हेयर। अब फेशियल हेयर रिमूव करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। कई लोग जो हैं वो थ्रेडिंग करना पसंद करते हैं, कई वैक्स करते हैं, कई जो है मेरी तरह ट्वीज़र भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं अपने अपर लिप जो हैं वो सारे आज तक भी जो है ट्वीज़र से ही रिमूव करती हूँ, बट इट्स वेरी स्लो एंड वेरी पेनफुल। और फिर अभी रिसेंटली जो है वो मैंने इस तरह से फेस शेविंग शुरू किया है। यार फेस शेविंग को लेकर इतने मिथ मिलेंगे ना आपको इंटरनेट पर कि इससे जो है वो बाल मोटे आ जाते हैं, इससे आपको दाने होने लग जाते हैं और स्किन आपकी मर्दाना लगने लग जाती है। यार मेरी स्किन आपको देख के कहीं से भी मर्दाना लग रही है, मतलब ये ओकेजनली एक दो पिंपल तो हर किसी को आता ही है, और स्पेशली जिस दिन वीडियो बनानी हो उस दिन तो इनका अपीयरेंस जो है वो मैंडेटरी है, लेकिन कहीं से आपको देख के लग रहा है कि जी बाल मोटे आ रहे हैं या फिर फेस मर्दाना हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये सारे मिथ्स हैं। आपको देखो, आप कोई शेव थोड़ी कर रहे हो जिस तरह हम आदमियों की शेव कंसिडर करते हैं, आप ये टिंकल रेज़र यूज़ करते हो और नीचे आपने सबसे पहले, अच्छा लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट, ओके। मिथ्स जितने भी हैं ना वो सारे के सारे गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करने के लिए और गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे मिथ्स जो है ना आपके बर्स्ट करने हैं और आसान करनी है आपके लिए चीज़ें, ओके जी। तो सबसे पहले आपने अपना मुंह अच्छे तरह से धो लेना है, साफ़ कर लेना है, और फिर जो है आप लगा लो इसके ऊपर या तो एलोवेरा जेल लगा लो या फिर लगा लो कोई फेस ऑयल। एलोवेरा जेल मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो इजीली रिमूव भी हो जाता है। वो लगाने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर एक ग्लाइडिंग क्रिएट कर ली, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए फेस के ऊपर, ग्लाइडिंग होनी चाहिए ताकि जो हमारा रेज़र है, जो हमारा बाल है, वो आराम से रिमूव हो सके, ठीक है। फिर आपने अपनी स्किन को एक हाथ से टग करना है, पुल करना है अपवर्ड्स, ताकि आसानी से जो है वो रेज़र हम यूज़ कर सकें।
बिना अपने आप को कट किए, ठीक है। जो कट्स लगते हैं ना वो सिर्फ दो वजह से लगते हैं, एक तो ये कि बिना स्किन को पुल किए हम यूज़ कर रहे होते हैं रेज़र, या फिर दूसरी चीज़ के बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रोक्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही पेशेंस से करने वाला काम है, सही है जी। तो एक हाथ से आपने स्किन को ऊपर पुल करना है और दूसरी से आपने आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड स्ट्रोक करते हुए अपना जो बाल है वो रिमूव कर लेना है। स्पेशली गर्दन के अराउंड, नाक के अराउंड बहुत ही केयरफुल रहना है क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर कट्स लगते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारी ये जो आंखों के कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर गिड्डे भी आती हैं वहाँ पर भी बाल आते हैं, तो वो मैं यूजली जो है वो इस तरह ट्वीज़र से आराम सुकून के साथ जो है वो बिस्मिल्लाह आराम सुकून से जो है वो रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हमारे नाक के बाल। यार नाक के बाल यहाँ पर मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए ट्वीज़र से रिमूव किए हैं, लेकिन वैसे जो है ना पर्सनली मैं जो वैक्स होती है ना, वैक्स की छोटी छोटी सी स्टिक्स आती हैं, पतली वाली स्टिक्स आती हैं वुडन की जो होती हैं, जो कि आर्ट में भी यूज़ होती हैं, तुम लोगों को किसी भी स्टेशनरी शॉप से ना उसका पूरा पैकेट मिल जाएगा, वो मैं लेती हूँ, उसके ऊपर वैक्स लगाती हूँ, उनको अपने नाक के अंदर डालती हूँ और थोड़ी देर में पुल करके सारे के सारे बाल निकल आते हैं और इतना साफ़ सुथरा सा नाक हो जाता है और सांस भी बहुत मज़े की आती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि यार नाक के बाल किसने देखने हैं, बट ट्रस्ट मी वो बहुत बुरे लगते हैं कि जब आपका पूरा फेस जो है वो मेकअप से आपने जो है वो बहुत ही खूबसूरत किया हुआ है और आपके नाक में से जो है वो साइडों से बाल जो है वो पीक कर रहे हैं और चा चा कर रहे हैं आपको, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो आपने शेव करने के बाद वापस से कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लगा रही थी कैस्टर ऑयल। आजकल कैस्टर ऑयल मेरा फेवरेट हुआ हुआ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे फॉलो करते हैं आपने देखा ही होगा स्टोरीज पे कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स देयर इज़, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऑयल लगा लेती हूँ और थोड़ी देर अपने फेस को जो है वो मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि फेस मसाज करने से होता यह है कि आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है जी, और दूसरा ये कि जो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है ना वो क्लियर हो जाती है, तो उससे आपका स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है और ये जो लाइंस एज के साथ आना शुरू हो जाती हैं ये भी मिनिमल और रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर भी मैं ना एक वीडियो बनाऊंगी, मुझे कमेंट्स में बताना तुम लोगों को अगर फेस मसाज के ऊपर स्माइल लाइंस को लेकर रिंकल्स को लेकर अगर वीडियो चाहिए तो उसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सारा बाल रिमूव करने का प्रोसेस, बाकी बॉडी हेयर का भी मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद आई वेंट एंड टुक अ शावर। मुझे वैसे शावर लेने से पहले अपने बालों को ऑयल करना चाहिए था क्योंकि मेरे बाल आजकल इतने गिर रहे हैं, एंड नाउ अ डेज आई एम यूजिंग रोजमेरी शैम्पू बाय हिमानी और रोजमेरी का ही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। होपफुली कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर मैंने ये यहाँ पर जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का क्ले मास्क था। आप कोई भी क्ले मास्क लगा सकती हैं, अगर वो इंडियन क्ले आजकल आ रही है, इंडियन है, इजिप्शियन है, एजटेक के नाम से ना, वो अगर मिल जाए तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे यार टू बी ऑनेस्ट हर क्ले मास्क एक ही काम करता, ठीक है, कोई भी आपने मास्क लगा लेना उसके बाद ताकि जितने भी ब्लैक हेड्स हैं और वो निकल जाएं और स्किन पे थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर निगलेक्ट कर दी जाती है और ये आराम से घर के अंदर हो जाती है, ये 2 से 3 आप लोगों को टूल्स चाहिए होते हैं, दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैं अपने जो नेल्स के क्यूटिकल्स होते हैं वो रिमूव कर रही हूँ, जिसको रिमूव करने से हाथ इतने नीट और इतना साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत हो जाता है ना, ये देखो ज़रा, कुछ नहीं किया मैंने, एक न्यूड जो है वो नेल पेंट लगाया हुआ है। और ये शादी के बाद भी ये चीज़ें जो है ना मैं आपसे बोलूँगी कि आपने कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि शादी से पहले तो हर कोई कोशिश कर रहा होता है अपने आप को टिप टॉप करने की, यू नो वेट भी लूज़ हो रहे हैं और हर तरह के यू नो स्किन प्रोसीजर्स भी लिए जा रहे हैं, बट शादी के बाद जो है ना वो असल कहानी शुरू होती है, जब औरतें अपने आप को ढीला ढाला छोड़ देती हैं और अपनी केयर करना बंद कर देती हैं। मैं कहती हूँ शादी के बाद तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका फिट रहना, खूबसूरत और यू नो प्रेजेंटेबल दिखना। तो यहाँ पर आपने हाथों के पहले क्यूटिकल रिमूव कर लिए, फिर कोई भी न्यूड शेड लगा लिया क्योंकि न्यूड शेड गोज़ विद एवरी आउटफिट, यहाँ वाइट शेड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो लगा लिया। उसके बाद पैरों को आपने निगलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर मैं पैरों पे लगा रही हूँ अगैन कैस्टर ऑयल लगा रही हूँ, पूरी टोज़ पे भी लगाना है, पीछे एड़ियाँ जो हैं, एड़ियों को नहाते वक्त आपने अच्छे से वो जो एक आता है ना स्टोन आता है जिसके अंदर
छोटे छोटे वो भी होते हैं यार, होल्स होते हैं, आपको किसी भी मिट्टी वाले बर्तन बेचने वाले से मिल जाएगा, उससे आपने अच्छे से अपनी हील्स रगड़ के उनके ऊपर वैसलीन लगानी है, बाकी पैर के ऊपर आपने कैस्टर ऑयल लगा लेना। यार कैस्टर ऑयल इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है, मैं जितना उसकी तारीफ़ करूँ कम है। आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, हील करता है, फिर इलास्टिसिटी प्रमोट करता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तुम लोग उसके बेनिफिट्स के लिए, और अगर तुम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तो यहाँ पर मैंने लगा लूँ के सब कुछ पैरों को अपने अच्छा सा नरम मुलायम करने के लिए, वैसलीन लगाई, कैस्टर ऑयल लगाया और फिर मैंने सॉक्स पहन ली। ये आप ऑफकोर्स सोने से पहले उतार देना। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही थी कि कौन से रेज़र्स जो है ना वो लेने चाहिए। चीप रेज़र्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे एक तो इनग्रोन हेयर भी होते हैं, बाल भी अच्छे से नहीं उतरते हैं, और जर्म्स भी लग सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने जो अपना ये रेज़र है ना, उसको आफ्टर एवरी एटलीस्ट 3-4 वीक्स के बाद आपने इसको डिस्कार्ड कर देना। ऐसा नहीं है कि इसको चलाते जा रहे हैं साला साल और चलाते जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अगर मुझे इसकी पिक्चर नज़र आई ना तो पिक्चर मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी कौन सा वाला मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैं यहाँ करने लगी थी वैक्स। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स आपसे शेयर कर सकूँ इस वीडियो के थ्रू। और अगर कुछ मिस आउट भी हो जाता है तो मैंने एक और वीडियो इससे पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने ग्रूमिंग टिप्स शेयर की थी फॉर टीनेजर्स, तो वो भी आप जाके देख सकती हैं। उसमें भी बहुत सारी इस तरह की मैंने छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस किया था जो अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं हम। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी फ़र्क के दो हमारे पास जो है ना स्ट्रिप्स आती हैं, एक कॉटन की आती है जो ऊपर रखी हुई है, और एक नीचे जो रखी हुई है ये आती है जो कि पेपर की होती है, और इसके अंदर जो है वो सुराख होते हैं। ये देखो मैं इसका वो भी दिखा रही हूँ तुम लोगों को। ये वाली स्ट्रिप आपने लेनी है, वो कॉटन वाली नहीं लेनी। मैंने भी जब वैक्स शुरू की थी ना कॉलेज टाइम पे, तो मुझे भी जो है मैंने इसी से ही कॉटन वाली से शुरू की थी, और इससे इतना पेनफुल वैक्स होता है यार, और मल्टीपल टाइम्स आपको जो है ना अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये बहुत ही फिट है, अंदर तक चला जाता है और एक एक बाल जो है ना वो पुल कर लेता है। अंडर आर्म्स पे मैं हमेशा वैक्स करती हूँ, कभी भी मैं रेज़र यूज़ नहीं करती, क्योंकि एक तो वहाँ पर रेज़र करने से आपका एरिया जो है वो अंडर आर्म्स जो है वो डार्क हो जाते हैं, और दूसरा ना स्मेल भी बहुत बुरी आती है। तो आप भी अगर वहाँ पर रेज़र यूज़ करती हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि वहाँ पर आप अंडर आर्म्स को जो है अपने वैक्स करना शुरू करें। फिर मैं ये आपसे एक सॉल्यूशन शेयर कर रही थी, ये बेसिकली मैंने बनाया हुआ है अपने लिए, उसका एलम होता है ना उसका, क्योंकि जिन लोगों से एक्सेसिव स्मेल आती है यार, लेट्स एक्सेप्ट इट, बॉडी स्मेल किसी को नहीं पसंद आ, ठीक है। तो स्पेशली शादी के बाद अगर आपका मियाँ आपके पास बैठे नहीं और बोले कि यार तुमसे तो स्मेल आती है, क्या तुम नहाती नहीं हो, क्या तुम कपड़े नहीं चेंज करती हो, तुम्हारे पास कोई परफ्यूम नहीं है, तो सोचें आपको कितना बुरा लगेगा। तो अगर तो आपको भी बहुत ही एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हाथों पे, पैरों पे, अंडर आर्म्स पे, तो ये सॉल्यूशन जो है मेरे यूट्यूब पे आप जाके सर्च करो अंडर आर्म स्मेल के लिए, या अंडर आर्म ऑडोर लिखोगे ना तो सामने आ जाएगी आपकी वीडियो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो ये मैं जो है हर शावर के बाद अपने अंडर आर्म्स पर अप्लाई करती हूँ, और 8 से 9 घंटे मेरे बिना स्वेटिंग के इतने मज़ेदार गुजर जाते हैं ना, चाहे मैं कोई स्प्रे कोई डिओड्रेंट ना भी लगाऊँ तब भी मेरे पास से कोई स्मेल नहीं आती है। लेकिन ऑफ कोर्स लगाना चाहिए ताकि एक प्लेजेंट सी खुशबू आए और आपको एक प्लेजेंट वे में याद किया जाए कि यार हाँ वो बंदी पास से गुजरी थी, या फिर यू नो इवन मियाँ की ही बात की जाए तो खुश हो, वो आपके साथ बैठना चाहे, आपके साथ बात करना चाहे, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं जबकि ये बहुत ही अहमियत रखती हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डर्मा रोलिंग कर रही थी, माइक्रो निडलिंग भी कहते हैं इसको, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको चाहिए वीडियो। तो बाकी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और मेरी वो जो दूसरी वीडियो है ग्रूमिंग वाली वो भी जाके आप देख सकती हैं। इसके ऊपर मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोज़ बनाना, क्योंकि एक कुछ मिनट की वीडियो के अंदर ऑफकोर्स आप सारी चीज़ों को डिस्कस करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।